पोको के F5 डिवाइस के लिए फाइनली पब्लिक रिलीज हो चुका है HyperOS 2, जो कि आपको वर्जन देखने को मिलता है 2.0.3 और ये जो साइज है वो है 5.3 का। इसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि Xiaomi ने इस बार भाई पोको ने सस्ते नशे कर रखे हैं, क्योंकि पहला अपडेट प्रोवाइड किया 2.0.1 का, जिसका मैंने वीडियो दिया, काफ़ी अच्छा रोम था लेकिन सस्पेंड कर दिया। उसका दूसरा अपडेट आया 2.0.2 का, जिसका भी मैंने वीडियो दिया, वो कहाँ गया, किस कोने में गया, कोई अता पता नहीं है। लेकिन फाइनली यहाँ पे 2.0.3 को पब्लिक रिलीज कर दिया गया है और ये सभी के लिए मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो ये जो पब्लिक रिलीज है, जो कि फाइनल बिल्ड है, इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस, कस्टमाइजेशन, फीचर्स वगैरह, और आपको ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हो, आप मुझे कमेंट करके बताना कि अपडेट आपको मिला या नहीं। नहीं मिला तो स्टिल वेटिंग लिस्ट में हो तो थोड़ा सा वेट करो, अपडेट चेक करते रहो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक आ चुका है और सभी को ये मिलना चालू भी हो चुका है, ये स्किप नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करोगे अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको सही देखने को मिलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, जो कि अच्छी बात है। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको रिव्यू प्रोवाइड किया 2.0.1 2.0.2 वो भी काफ़ी सही था मेरे हिसाब से, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट था, लेकिन उसे हटा दिया गया और 2.0.3 प्रोवाइड किया गया, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे देखो लॉन्ग प्रेस, जैसे आप पावर बटन को प्रेस करते हो तो एक नया UI देखने को मिलता है, जो कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने शो किया था, वही सब कुछ है, बस यहाँ पे नंबर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस है ये बदल दिया गया है, पहले थोड़ा डिफरेंट यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलता था जहाँ से आप आओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर मेनू आपको कैसे एक्सेस करना है, सिंगल बटन से या फिर दो बटन का यूज करते हुए, तो ये चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर काफ़ी स्मूथली काम करता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करोगे, OT अपडेट वगैरह करोगे, तो उस समय में भी आपको हल्का फ्लस्टर लैग देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये परफेक्टली जो रिस्पॉन्स देने लग जाता है काफ़ी बेटर तरीके से। टॉर्च का जो नया UI आया था वो इसमें अभी तक ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट का, जो कि डिफॉल्ट वॉलपेपर या डिफरेंट वॉलपेपर पे आपको नजर आएगा काम करते हुए। अभी मैंने यहाँ पे लेंस वगैरह का फीचर्स ऐड कर रखा है, इसलिए ब्लर हो रखा है। बाकी विजेट्स वगैरह यहाँ पे सेम देखने को मिलता है, सिमिलर, जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ सेम और सिमिलर चीज़ आपको नजर आ जाती है। बाकी हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो आपको देखने को मिल जाता है 2.0.3 और ये पब्लिक रिलीज हो गया है, इसलिए यहाँ पे हमें चेंज लॉग भी नज़र आ रहा है। अदरवाइज आप मैनुअल फोर्सफुली अपडेट करते हो तो यहाँ पे चेंज लॉग गायब रहता है। और चेंज लॉग में देखो क्या लिखा गया है, मार्च का सिक्योरिटी पैच 2025 का, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें जो कि बताई गई है कि भाई अपडेट किया गया, चेंज किया गया, बट ऐसे ओवरऑल ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, जैसे कि रियल टाइम वेदर का ऑप्शन आ गया, न्यू डेस्कटॉप आ गया है, कैलेंडर आ गया है, क्लॉक आ गया है, एनिमेशन वगैरह इंप्रूव किया गया है, कुछ AI वाली चीज़ें यहाँ पे आई है, स्मूथनेस इंक्रीज किया गया है, कुछ नया लॉक स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाता है। सेम यहाँ पे Xiaomi जो केयर है वो थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट के साथ आया है, यही सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलती है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और सिंपल सी यहाँ पे थोड़ा टेंशन यहाँ पे दिया गया है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं, ये आपको हर एक चेंज लॉग में आप देखने को मिलेगा। कैमरे की बात करें तो कैमरा हमारा प्रॉपर काम करता है, कोई इशू नहीं आती, क्वालिटी वगैरह भी सिमिलर है और कुछ भी यहाँ पे नया फीचर्स ऐड नहीं किया गया, और वही सेम आपको 4K का 30 जो मिलता था वही आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर गेम ट्रो की बात करते हैं, कुछ नया फीचर्स ऐड हुआ या नहीं, तो गेम ट्रो आपको सिंपल सिमिलर पहले जैसे ही देखने को मिलता है, जिसमें कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलता। साथ साथ वीडियो टूल बॉक्स भी आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वापस से आते हैं सेटिंग अंदर चलते हैं, तो आपको देखने को मिल जाता है अबाउट सेशन में, जो कि हमारा सिक्योरिटी पैच है, जैसे कि चैनलों में मेंशन किया गया है, वो है 3 मंथ का। अब तक इसे 4 मंथ का मिल जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोग डिले कर चुके हैं, एक अपडेट को 2-2 बार सस्पेंड करके 3री बार है जो इन्होंने फाइनल पब्लिक रिलीज किया है। साथ साथ यहाँ पे आपको अब देखने को मिलता है 2.0.3 और इसका जो साइज आपको मिलने वाला है फर्स्ट टाइम का OT अपडेट, वो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 5.3 का। बट अगर आप एक बीटा टेस्टर यूजर्स हो और आपने 2.0.1 या 2.0.2 अपडेट कर रखा है, तो आपको ये साइज थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम स्विच कर रहे हैं एंड्रॉइड 14 से 15 के ऊपर, तो ये साइज आपको दिखाई देने वाला है। और मे बी अगर आपको लैग, स्टटर या फिर परफॉर्मेंस में डाउनसाइड देखने को मिलता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने फ़ोन का बैकअप लेके रिसेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका एंड्रॉइड 14 से 15 जा रहा है, तो वैसे में आप एक बार अगर रिसेट कर ले तो अपने फ़ोन को ना, तो आपका जो स्मूथनेस, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है जो काफ़ी बेटर हो जाएगा और आपको नहीं आएगी, अगर दिक्कत आती है तो। अदरवाइज जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे रीसेट करो। यहाँ पे गूगल का सिक्योरिटी ऐप अपडेट आ चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 1 अप्रैल का देखने को मिल जाता है, जो कि ये पहले हमारा ओल्ड था। कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट मुझे देखने को मिले थे, जो कि मैंने कर लिए हैं, उसमें कुछ खास बिग चेंज नहीं आते, लेकिन हाँ यहाँ पे चेंज रहते हैं, तो आप अपडेट यहाँ पे कर लेना। बाकी चीज़ें यहाँ पे बॉटम पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, ये यूजर अकाउंट छोटे मोटे जो चेंज हुए हैं एंड्रॉइड 15 की वजह से, वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आती है। बाकी स्टिल यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग इन्होंने ऐड नहीं करा है, और साथ साथ यहाँ पे जो आपको पर्सनलाइज
इसके अंदर लॉक स्क्रीन का ऑलवेज ऑन मिलता है, ये स्टिल वही 10 सेकंड का ही आपको देखने को मिलता है, ये ना अनलॉक हुआ है ना ये लोग अनलॉक करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि लेंस का फीचर्स है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आते हो डेस्कटॉप के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि होम स्क्रीन ब्लर के रूप में काम करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ वॉलपेपर के ऊपर, तो ये आपको लेंस का फीचर्स यहाँ पे मिला। वॉलपेपर सेशन पे अगर मैं जाता हूँ, किसी भी चीज़ को पिक करता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा इस जगह पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ब्लर का नया ऑप्शन आ चुका है जिससे मैं वॉलपेपर को ब्लर कर सकता हूँ। तो ये पिछले अपडेट में भी आ गया था, बस उसे रिफाइन करके फिर से इन्होंने जो रिपब्लिक कर दिया है। कि पोको लॉन्चर में ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता, सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन जो लास्ट में पहले अबाउट सेशन आता था वो अबाउट सेशन यहाँ पे गायब कर दिया गया है, जैसे कि आपको सिस्टम लॉन्चर में देखने को मिलता है। और हाँ, पोको लॉन्चर आपका पहले से स्मूथ हो चुका है तो पोको लॉन्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, काफ़ी सही तरीके से काम करता है मक्खन माफी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे ऑप्टिमाइज हुआ है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह आपको सब कुछ वर्किंग देखने को मिलता है और सेटिंग में कुछ खास नया नज़र नहीं आता। वहीं पे हम आते हैं अपने जो कि रिकॉर्डर है, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डर का एक नया सा लुक देखने को मिलेगा। ये कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे, इस तरीके से एक कैटेगरी बन चुकी है जो कि पहले नहीं था एंड्रॉयड 14 के ऊपर। वहीं पे वेदर के अंदर नया लुक देखने को मिलेगा और कैलेंडर के अंदर भी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो कार्ड व्यू आपको देखने को मिलता है जो कि एवरी डे जो कार्ड का प्रीव्यू है ये चेंज होते रहता है, तो ये भी एंड्रॉयड 15 की वजह से आपको जो नया लुक दिखाई देगा। बाकी नोट्स वगैरह ये सारे एप्लीकेशंस वगैरह अपडेट हो गए हैं और ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। फाइल मैनेजर भी हमारा है जो अपडेट हो गया हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो स्मूथनेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे स्मूथनेस आपको बेटर फील होने वाला है इस अपडेट के बाद। गैलरी की अगर बात करते हैं तो गैलरी के अंदर एडिटिंग में कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता, बट कुछ दिन पहले मैंने सिस्टम ऐप अपडेट का वीडियो दिया था जहाँ पे मैंने दिखाया था AI वीडियो एडिटिंग। तो अगर आप गैलरी को अपडेट करते हो उस वीडियो को देखते हुए, यहाँ पे AI का फीचर्स आ जाएगा, बट ऑफिशियली ऐसे यहाँ पे अभी तक OT अपडेट में नहीं मिला। ना ही किसी फोटो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बट आप मैनुअली सिस्टम ऐप अपडेट करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आएगी। रही बात इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने चार्जिंग टेस्ट किया जो कि 13 मिनट में 37% जाता है और फुल चार्ज आपको वही 50 मिनट में हो जाएगा 0 से 100%, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चार्जिंग स्पीड आपको सही मिलता है। अनदर यहाँ पे अनटूटू स्कोर काफ़ी ज़्यादा आपको सही देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। CPU टोटल की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल टेस्टिंग 3,97,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,13,000 81 का परसेंटेज जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहीं पे जैसे ही हम यहाँ पे गेम टर्बो का यूज करते हैं परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं तब यहाँ पे 3,97,000 मैक्स मिनिमम 3,93,000 का परसेंटेज, तो ओवरऑल काफ़ी हद तक सिमिलर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई इस डिवाइस के अंदर थ्रॉटलिंग थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता था, बट इस अपडेट में यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है जो कि मुझे पसंद आया। वहीं पे गीकबेंच भी बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रहता है, टॉप नॉच का रिजल्ट रहता है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपका फ़ोन वार्म होया हुआ है हीट होया हुआ है तो ऐसे में आपको स्कोर कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अच्छे टेम्परेचर पर रखते हो नॉर्मल रखते हो नॉर्मल यूज पे तो आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। वहीं पे कैमरा वगैरह हमारा सही तरीके से काम करता है और देखो गैलरी का अपडेट आया था, बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, बट एक्चुअली में वैसा कुछ खास नज़र नहीं आता, बस लिखने के लिए तो लंबा चौड़ा ग्राफ बन जाता है, लेकिन ढूंढने जाओ तो उतना लंबा चौड़ा ग्राफ चीज़ें आप फाइंड आउट नहीं कर पाते। और ये इसका रेटिंग, तो भाई रेटिंग तो ठीक है, इस रोम का मैं काफ़ी अच्छा रेटिंग दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि एक ही अपडेट को इन्होंने बार बार जो सस्पेंड करके जो पब्लिक किया है फाइनली, और इसका जो रेटिंग का स्टाइल है वो भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कुछ यही फाइनल आउटपुट यहाँ पे निकल के आता है जो कि भाई मुझे पसंद आया और मैं आपको रिकमेंडेड भी करूँगा कि अपडेट कर लेना, आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 14 के कंपैरिजन में। और आप मुझे बताना कि अपडेट मिला या नहीं, नहीं मिला तो आप मैनुअल अपडेट कर सकते हो क्योंकि ये पब्लिक रिलीज हो चुका है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करो, आपको आपका अपडेटर में नजर आ जाएगा, वहां से आप OT अपडेट है जो कर लेना। तो बस यहाँ पे अगर आपने पहले वाले वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि पहले भी बता चुका हूँ। क्या करें भाई, उन्होंने गांजा फूक रखा है तो भाई गांजे वाले रास्ते पे तो हमें भी चलना पड़ेगा ना, जो जो दे रहे हैं बार बार रिमूव कर रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको खुद बोरिंग सा फील हो रहा होगा और मुझे खुद बोरिंग वाला फीलिंग आ रही है यार, क्योंकि हर बार मैं आपको 2-3 टाइप के वीडियो देता था, फर्स्ट अपकमिंग बीटा वाला अपडेट, उसके बाद पब्लिक रिलीज और बैटरी टेस्टिंग और फाइनल फुल रिव्यू वगैरह। लेकिन यहाँ पे इस जो 2.0.3 का अपडेट है इसे मैं कहा कि भाई हटाओ, जब पब्लिक रिलीज होगा तभी फाइनल वीडियो लेके आएंगे। तो ये था फाइनल आउटपुट वगैरह, और अपडेट काफ़ी अच्छा है, चाहे वो बैटरी बैकअप के मामले में हो, चार्जिंग के मामले में हो, परफॉर्मेंस के मामले में हो या स्मूथनेस के मामले में हो। भले ही फीचर्स वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं किए गए, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बेटर हुई है जो कि आपको पसंद आने वाला है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।